संघ की दर्दनाक तस्वीर, बंधे हाथ माथे पर गोली का जख्म, यूक्रेन के बूचा शहर में सड़कों पर इस हालात में दिखे शव। श्रीलंका में 36 घंटे का कर्फ्यू हटा, बनेगी नई कैबिनेट, पीएम महिंद्रा राजपक्षे आज कर सकते स्कूल चलो अभियान की शुरुआत। श्रावस्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को परोसा भोजन। सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई, यूपी सरकार ने कहा आरोपी के भागने की आशंका नहीं। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबरों की ओर। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। शीर्ष अदालत ने अब फैसले को सुरक्षित रख लिया है, जहां सुप्रीम कोर्ट की निगरानी कमेटी ने सोमवार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की सिफारिश की गई थी। एसआईटी ने दो बार जमानत रद्द करने की सिफारिश भी की थी। रिपोर्ट में कहा था कि साक्ष्य के अनुसार आशीष मौके पर था, आशीष को डिप्टी सीएम के मार्ग बदलाव की जानकारी भी थी। लखीमपुर हिंसा मामले में लगातार सुनवाई भी जारी है, इसको लेकर कई नए नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक जो बड़ा बयान सामने आया है वो ये आया है कि लगातार ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी कमेटी में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई थी। लखीमपुर हिंसा के मामले में एक बड़ा जो सामने आया है, वही लगातार जो लगातार आशीष को आशीष के ऊपर यह भी इल्जाम लगा है कि डिप्टी सीएम के मार्ग बदलाव की जानकारी भी थी उनको। इस खबर पर अधिक जानकारी के संवाददाता विभांशु बड़े त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, लगातार ये जो एसआईटी ने दो बार जमानत रद्द करने की सिफारिश की थी, इस पे क्या कुछ और खबर है और क्या कुछ जो पूरा वाक्य निकल के सामने आ रहा है? जी त्रिशला, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और शीर्ष अदालत ने अब फैसले को सुरक्षित रख लिया है। और सुनवाई के दौरान जांच के लिए गठित की गई एसआईटी ने शीर्ष अदालत को के समक्ष अपना पक्ष रखा और एसआईटी ने कहा कि हमने किसानों को कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा को की जमानत रद्द करने के लिए यूपी सरकार से दो बार कहा, लेकिन आशीष मिश्रा की जमानत रद्द नहीं हुई। वहीं यूपी सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि मैं मानता हूं कि अपराध जघन्य है, लेकिन आरोपी आशीष मिश्रा के भागने का खतरा नहीं, इसलिए अदालत की ओर से ये ओर से निश्चित रहे। और साथ ही साथ यूपी सरकार के वकील ने कहा कि हमें इस फैसले को जांच करके एसआईटी की रिपोर्ट प्राप्त की है जिसे राज्य सरकार को भेजा गया है। इस पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने कहा कि आप अपने ये नहीं बताए कि चिट्ठी कब लिखी गई, ऐसा मामला नहीं है जिससे आप इंतजार कर सके। वहीं आपको बता दें कि इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि एसआईटी की जो जांच थी कि जो आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं, उनको जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे उनके रूट मैप में चेंजेस के जो बदलाव किए गए थे उनकी जानकारी थी। और आपको बता दें कि इस घटना में, इस लखीमपुर हिंसा में 4 किसान सहित 8 लोगों की मौत हुई थी। जी धन्यवाद आपका विभांशु। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता संभालने के बाद लगातार काम में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर जनता की समस्या को सुनने के लिए जनता दरबार लगाया गया। सीएम योगी ने फरियादियों से उनकी समस्या सुनी। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण इसे बंद कर दिया गया था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाए हुए हैं। पिछली सरकार में भी जनता दरबार लगाई गई और इस सरकार के गठन के बाद पहली बार जनता दरबार लगाया गया है। आपको बता दें कि इस जनता दरबार में सम्मिलित होने के लिए अपनी समस्याओं को निदान को लेकर यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं जो दूर दराज से आकर अपनी समस्याओं को निदान को लेकर
मुख्यमंत्री से मिलेंगे और साथ ही साथ उनसे अपने समस्याओं के समाधान को लेकर बात करेंगे। वहीं आप देख सकते हैं कि संख्या जो है वो काफी अच्छी खासी दिख रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये लोग अगर अपने जिलों में जो अधिकारी हैं वो इनकी समाधान दिला देते तो ये संख्या ना होती, बल्कि अब आप देखिए कि हालत ये है कि ये अपनी समस्याओं को लेकर आज मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंचे हुए हैं। मेरे साथ एक लोग मौजूद है, आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम लालचंद है। कहाँ से आए आप? जिला के रहने वाले हैं, ग्राम अमिलिया है हमारा, लालापुर थाने के दरोगा जी हमारे मुसलमान के साथ विरोध करके, यादव जी हैं, शेर सिंह नाम है, हमको बड़ा बेइज्जती हमारा कर दिया दरोगा जी ने। हाँ बहुत आप पुजारी हैं? हाँ, मुसलमान को अंदर घुसेरते हैं ऐसा, इसको हम फोटो दिया है, दरखास्त सुनाई नहीं हुई। मंत्री से मिले हैं, क्या बोले? मैं तो नहीं हुआ, या इसमें से आधा फाड़ के ले लिए हैं मंत्री जी, और शेर सिंह नाम है, लालापुर थाना के दरोगा जी, हमको बड़ा बेइज्जती कर दिए है। हाँ अच्छा, मुख्यमंत्री से आप मिल नहीं पाए, अंदर अधिकारियों ने आपका ये समस्या क्या पहुँचा लिया? हाँ, और मुसलमान से 1,00,000 रुपया हकीकत बता रहे हैं, हमारा पूरा दे दिया, और पहले 15 दिन पहले बोले कि आधा था, और उसके बाद 15 दिन बाद आधा हमको घर बैठा दे, कहीं सभी नहीं कहा है, 1,00,000 रुपये लिए हैं। अच्छा, आप अपना नाम बताएं और किन समस्याओं को लेकर यहाँ हैं, क्या आप मुख्यमंत्री से मिले हैं? नहीं मिले नहीं, मिलने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। हमारे घर नदी के कटान से, हम जिला बलिया के रहने वाला हूँ, और ग्राम सभा भोजपुरवा हमारा तहसील बांसडी है, और वहाँ से हमने आया मुख्यमंत्री से, 5 किलोमीटर नदी थी, अब नदी हमारे करीब 200 गज में रह गई है, और अब तक अगर इस पर कार्रवाई नहीं, ठोकर नहीं बना गया तो कम से कम 1300 जनसंख्या है, 250 गांव है, बेघर हो जाएगा, इसीलिए मुख्यमंत्री जी के पास हम अपने ये लेके ग्राम प्रधान के पैड पर मैं लेके आया। तमाम आला अधिकारियों के पास गए होंगे जिलों में, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? अभी उनको लोग तरफ से एक लोग अभी कुल नेता गए थे जुलाई में, तो ये कोरोना का माहौल था, तो उसके बाद कोई नहीं आया, अब लोग जा रहे हैं DM के पास, SP के पास जा रहे हैं, वहाँ पर कटान विभाग के पास के जा रहे हैं, हम एक लेके आए हैं कि कम से कम दे दे कि अभी कार्रवाई अगर नहीं हो जाएगा तो सब लोग मर जाएंगे, कितने हमारे तो पापा खुद उससे हार्ट अटैक से मर गए हैं, ये सोचते हुए कि नदी के कटान आ गई है, और नदी के कटान के वजह से वो सोचते थे कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे जी। और नदी के कटान के वजह से ये परिस्थिति हो गई है, इस वजह से हमने ये कह के नया प्रधान हुए हैं, वो लेके अभी तक हम देने जा रहे हैं कि इससे मेरे समस्या का समाधान अगर नहीं हुआ तो कितने लोग तो मर ही जाएंगे, खाने पीने की भी बहुत मुसीबत हो। मेरी लड़की को जला दिया। आपका क्या नाम है और कहां से? सुनीता तिवारी, मैं बोल रही हूँ, मैं कादीपुर तहसील सुल्तानपुर जिला से आई हूँ। क्या समस्या? हमारी लड़की को जला के मार दिया हंडौर गाँव में, प्रतापगढ़। कोई कार्रवाई नहीं, हमारी रिपोर्ट कहीं नहीं, सूचना अभी सबको दिया है, 15 दिन से मैं 20 दिन से सूचना दे रही हूँ, पहली सूचना मैंने थाने में दिया, जोली नहीं गई, दूसरे SP के यहाँ दिया, उन्होंने क्या किया हमें पता नहीं है, उसके बाद जिला अधिकारी के पास प्रतापगढ़ में दिया मैं दरखास्त, उन्होंने क्या किया वो भी हमें मालूम नहीं है, उन्होंने क्या किया नहीं मालूम है, मैं डर के मारे थाने लालगंज नहीं जा रही, मुझे भी मार देंगे, मेरी लड़की को मार दिया हमारे दामाद और उसके भाई लोग ने मिल के सब। तो इस वक्त हम मौजूद थे मुख्यमंत्री आवास के बाहर, जहां जनता दरबार लगा हुआ है, इस जनता दरबार में दूर दराज से लोग आए हैं और अपनी समस्याओं का समाधान को लेकर मुख्यमंत्री और तमाम जो अधिकारी हैं उनसे मिल रहे हैं और समस्याओं को उनके समक्ष रख रहे हैं, और साथ ही साथ उनकी तरफ से ये आशा रखी जा रही है कि उन्हें उनकी समस्याओं का निदान मिलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम TV लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद श्रावस्ती में प्रदेश व्यापी स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। इस योजना के तहत हर बच्चे को स्कूल भेजने का संकल्प है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगले महीने में चलने वाले इस अभियान में घर घर जाकर दस्तक दीजिए और पूछिए कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो स्कूल जाने से वंचित रह गया है। हर विधायक एक विद्यालय गोद ले, कोरोना काल में छात्रों को नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना होगा। और वहीं इस अभियान का शुरुआत जो है, स्कूल चलो अभियान का शुरुआत श्रावस्ती से किया गया है, एक अच्छी मुहिम है, और कोरोना में जिन बच्चों को नुकसान हुआ है उनकी भरपाई के लिए भी एक अच्छी मुहिम है। साथ ही साथ जो CM है उन्होंने हर विधायक को यह निर्देश दिया है कि हर विधायक एक स्कूल को गोद लेगा। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर एक अच्छी पहल है, हर बच्चा पढ़ेगा और जब बच्चा पढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा।
करेगा। शिक्षा एक अहम मुद्दा है उत्तर प्रदेश का, वही शिक्षा को लेकर सीएम योगी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वो खुद बच्चों के बीच गए, उन्होंने बच्चों को सर्टिफिकेट बांटा, बच्चों को भोजन भी कराया, साथ ही साथ विधायकों को भी निर्देश दिए और हर किसी को निर्देश दिए कि बच्चों की शिक्षा को लेकर जो भी संबंधित नेता है, अधिकारी है, वो लेके इसको सक्रिय रहे, हर घर तक जाए और पता करे कि हर घर का हर एक बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं, क्योंकि जो शिक्षा है वो एक अहम मुद्दा है। सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवान पर सरफिरे ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में दो जवान घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि जांच के लिए एटीएस गोरखनाथ मंदिर पहुंची, एटीएस अभिषेक सिंह के नेतृत्व में जांच जारी है। एसपी ने बताया कि हमलावर के पास से लैपटॉप, धार्मिक पुस्तकें बरामद हुई। हमलावर और दो पीएसी के जवान घायल हुए हैं। सर ऐसे पीएसी वाले सब कल बैठे थे, वो अकस्मात आ गया उधर से। जब आया तो ऐसे गमछे में लपेटा था, कुछ गमछे में लपेटे था, उसमें से निकाला और पता नहीं दोनों में क्या बात हुई, तुरंत तो वहाँ से कावल उकल बाकी उनको चलाना शुरू कर दिया। वो बाकी दोनों हाथ से पकड़ लिए, लेकिन वहाँ से पकड़ आए थे। यहाँ पे एक साइकिल था, साइकिल में फंस गए, गिर गए वहाँ पर। गिरने बाद वो कावल बाकी से लगा मारने उनको। क्यों मारा, क्या वजह थी? सर वजह तो हमको भी नहीं मालूम है, कैसे मारा, पागल है कि क्या है, कैसे है सर? हाँ सर, कौन था, कहाँ का था, कुछ पता चला? अब सर हमको तो अरे अभी मालूम नहीं है। हम क्योंकि सर यातायात वाले हैं। गोरखनाथ गेट पर कोई अचानक आदमी बड़ा सा हसुआ लेके अचानक पुलिस वाले पर हमला किया है। पुलिस वाला बचाव करते ही देरी नहीं उसे पटक दिया उठा के। उसमें दूसरा पुलिस वाला आया, उस पर भी हमला किया, उतने में पूरी फोर्स आ गई। और क्यों मार रहा था वो मालूम नहीं, वो अचानक हमला किया है सर, अचानक हसुए से देख रही थी मेरे सामने का आंखों देखा है सर। कितने घंटे पहले हुआ ये? मुश्किल से 40-50 मिनट हो रहा है, इसी के अंदर के बात है ये। कैसा था वो? वो कम से कम काला सा था और कोई साफ सुथरा नहीं था, थोड़े गंदे में ही था, ना ज्यादा गंदगी में था ना ज्यादा साफ सुथरा था वो। और पता चला क्यों मार रहा था? नहीं सर इसका अभी पता नहीं चला, वो अचानक हमला किया पुलिस वाले पर। मंदिर के जो गेट है, जो रोड पर ही गेट है, आपने देखा होगा वहाँ पर दो हमारे पीएसी के जवान जो ड्यूटी पे मौजूद थे उस पर ये व्यक्ति आकस्मिक रूप से जानलेवा हमला करता है। इसके पास एक धारदार ऑब्जेक्ट था जिससे वो हमला करता है, जिससे एक हमारा आरक्षी घायल हो जाता है। वो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, वहाँ के उपस्थित पुलिस बल ने उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो भागता है अंदर और पीएसी का एक पोस्ट है वहाँ पर पुलिस वालों पर हमला करता है। उसको फिर एक हमारे सिपाही ने बहादुरी करके, अनुराग नामक सिपाही है, अच्छा बहादुरी करके उसको पकड़ता है। इस दौरान पुलिस ने काफ़ी धैर्यपूर्वक कार्य भी किया है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और धैर्यता से इस पर कंट्रोल करने की कोशिश किया और उसको फिर बलपूर्वक उसको ओवरपावर कर किया गया। वही इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, इस तरह की घटनाएं अगर बंदर परिसर में हो रही हैं तो एक बड़ी सुरक्षा में ये चूक है, क्योंकि सीएम आवास है और उस पर पुलिस किस तरह से आगे की कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चूक है त्रिशला। इसमें हम बता दें कि मंदिर परिसर में इतनी बड़ी लापरवाही होना, प्रशासन में हड़कंप मच चुका है और इसमें युवक को पकड़ा गया है, एक युवक घायल है और दो पुलिसकर्मी घायल है जबकि एक फरार हो चुका है। ऐसे में हम बता दें कि इसकी जांच की जा रही है, 5 टीमें लगाई गई हैं जो अलग अलग जनपदों में जाकर के जांच कर रही है। इसके अलावा युवक से बरामद लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि जितने भी सामान थे उनकी जाँच की जा रही है और लड़के का जो युवक पकड़ा गया है, अभियुक्त है, उसके ऊपर जो है 7 CLA और 307 इसको की धारा लगाई गई है, मुकदमा लिखा गया है और जानकारी के लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं, LIU भी लगी हुई है और पूरी तरह से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सारे प्रशासनिक अधिकारी इसमें लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं उसके माँ बाप, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदारों का जो है बैकग्राउंड पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि युवक का बैकग्राउंड क्या है और क्या घटना करने की साजिश थी और किस तरह की चूक थी और क्या इसमें कोई आतंकी घटना करने का कोई क्रम था, क्योंकि सीएम आवास है, सीएम वहां निवास करते हैं जब भी गोरखनाथ मंदिर में आते हैं। ये बहुत बड़ी चूक रही है प्रशासन की कि इसमें दो सिपाही घायल हो चुके हैं।
जी हिमांशु, जो युवक है जिसने हमला की थी, क्या उसके बारे में कुछ पता चल पाया कि वही गोरखपुर का ही रहने वाला या फिर कहीं बाहर से आया था युवक? जी उसके विषय में बता दें त्रिशला कि पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि युवक भी गंभीर रूप से घायल हो चुका था, पुलिस वाले उसे उठा के पटक दिए थे उस समय पकड़ करके, क्योंकि युवक कंट्रोल में नहीं आ रहा था, धारदार हथियारों से हमला किया जा रहा था जिसमें दो पुलिस कर्मी घायल थे, और ऐसे में उसे कड़ी सुरक्षा में रखा गया है जिला अस्पताल में और भर्ती है, और ऐसे में किसी को भी उस युवक से मिलने की परमिशन नहीं है, ना मीडिया कर्मियों को है, और इसके लिए जांच की जा रही है, पुलिस पूरा डिटेल लगाने की पता लगाने के बाद ही कुछ बता सकती है कि युवक कहाँ से था, कहाँ का रहने वाला है, उसका नाम क्या है, कोई चीज का खुलासा नहीं कर रही है। जी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु आपका। खबर देवरिया से है, जहां पर देवरिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, साथ ही फर्जी दस्तावेज के साथ दो अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। बता दें कि फर्जी दस्तावेज में 107 निवास प्रमाण पत्र, 148 जाति प्रमाण पत्र, 6 निर्वाचन प्रमाण पत्र, 7 ई श्रम कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। विगत कुछ दिनों से एक शिकायत आ रही थी कि पथरदेवा बाजार में एक इंस्टीट्यूट में फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, बिहार सरकार के कई प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। पक्की सूचना पे हमारे उपजिलाधिकारी द्वारा वहाँ छापेमारी की गई। मौके पे भारी मात्रा में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बिहार सरकार के आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। उनको वेरीफिकेशन कराया गया जिसमें पाया गया आय प्रमाण पत्र फर्जी हैं। इसी प्रकार से उनके पास फर्जी मोहरें बरामद हुई हैं, लैपटॉप्स मिले हैं, कंप्यूटर मिले हैं, उनकी जांच कराई गई, कंप्यूटर में सारे प्रोफार्मा मिले हम लोगों को, जो खाली प्रोफार्मा है वो जिसके साथ से एडिटिंग के कई ऐप मिले, उनको सील मुहर कराया गया, दुकान सील कराई गई, उनके खिलाफ़ मुकदमा लिखाया गया और इनको हम लोग आज जो है मुकदमा लिखा करके जेल भेज रहे हैं। यहाँ पर हमारे और क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में एक छापेमारी कार्रवाई की गई, और उस जो संबंधित जो दुकान है साइबर कैफ़े, वहाँ पर जो संचालक है उससे पूछताछ में और पर्याप्त छानबीन के द्वारा कुछ चीज़ें प्राप्त हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश से के शासन द्वारा निर्गत किए जाने वाले जो 311 फर्जी कूटरचित तरीके से जाति और निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए, और बिहार सरकार से जो जारी होते हैं उसके कूटरचित तरीके से फर्जी जाति के 21 और निवास प्रमाण पत्र 35 प्राप्त हुए हैं, और संबंधित जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ और पर्याप्त मोहरे भी प्राप्त हुई हैं। विभिन्न विभागों से उपजिलाधिकारी सदर तहसील के और तहसीलदार देवरिया तक की मोहरे प्राप्त हुई हैं, विभिन्न ग्राम पंचायतों के खंड विकास अधिकारी से लेकर के ग्राम विकास अधिकारी और अस्पतालों के अधिकारियों की मोहरे प्राप्त हुई हैं, और अभियुक्तों को पकड़ करके उनके ऊपर दो अभियुक्त पकड़े गए हैं जो एक ही पिता के संतान हैं, जितेंद्र कन्नौजिया और सत्येंद्र कन्नौजिया। साइकिल एसोसिएशन के होली मिलन समारोह में चुनावी चर्चा के दौरान विवाद हो गया। आरोप है कि एसोसिएशन के संरक्षक विजय कपूर और उनके सुरक्षा कर्मियों ने एक व्यापारी से मारपीट की। सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान लेते हुए पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। आज दिनांक 3 अप्रैल 2022 को थाना फजलगंज में श्री भारत भूषण रस्तोगी जी ने आकर एक तहरीर दी। इनके अनुसार आज रघुशीला गेस्ट हाउस फजलगंज में उत्तर प्रदेश साइकिल उद्योग व्यापार परिषद के सदस्यों का होली मिलन समारोह था। उस समारोह में विजय कपूर व उनके अंगरक्षकों द्वारा इनके साथ अभद्रता, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गई। इनके द्वारा प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल कीमतों में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी जारी है। तेल कंपनियों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 40 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया। दिल्ली में अब पेट्रोल 103.81 रुपए प्रति लीटर के रेट से बिक रहा है, जबकि डीजल 95 रुपए लीटर भी पार कर गया है। मुंबई में तो पेट्रोल 119 रुपए के करीब पहुंच गया है, जबकि डीजल 103 रुपए लीटर से भी ज्यादा महंगा बिक रहा है, जबकि मुंबई में पेट्रोल 118 रुपए 83 पैसे रुपए और डीजल 103 रुपए 7 पैसे
रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। त्योहारों को लेकर बिजनौर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह के निर्देश पर पुलिस ने शहर के मुख्य चौराहों पर एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस द्वारा चौराहे पर चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की गई। आपको बता दें कि बिजनौर शहर की पुलिस ने चांदपुर की चुंगी, खेगड़ी, तिराह, मंडावर चौराहे, सेंट मैरी चौराहे समेत शक्ति चौकी पर चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस द्वारा मुख्य चौराहे पर हो रही इस चेकिंग से शरारती तत्वों में हड़कंप मच रहा। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के बाद राज्य मंत्री दानिश आजाद पहली बार बलिया दौरे पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान दानिश आजाद ने कहा कि योगी सरकार मदरसों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया है, मदरसों को डिजिटल और स्किल डेवलपमेंट से भी जोड़ा जाएगा। वही दानिश आजाद ने बाबा के बुलडोजर पर कहा कि बुलडोजर उन लोगों के लिए है जो गरीब की जमीन पर कब्जा करते हैं। पढ़ता है उर्दू और भी फारसी पढ़ता है, तो साथ साथ वो मैथ, साइंस और कंप्यूटर का एजुकेशन भी लेता है, और जो दीनी और दुनियावी तालीम जब उसको हासिल होता है तो वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ के राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे हम माइनॉरिटीज़ के लिए और भी अच्छे काम करने के लिए हम योजनाएं बना रहे हैं। हम स्मार्ट मदरसों को भी लाएंगे ताकि बच्चा जो है, मदरसों को हम डिजिटल बनाने की तरफ भी बढ़ेंगे ताकि जो बच्चा है वो मदरसे में बैठे बैठे दुनिया के तमाम कोर्सेज का जो है लाभ उसको मदरसे में मिले। मदरसों को हम स्किल डेवलपमेंट से भी जोड़ने की प्रक्रिया में है, उस पर भी चर्चा चल रही है, अधिकारियों से बात विचार चल रहा है कि कैसे मदरसों को हम स्किल डेवलपमेंट से जोड़ें ताकि जो मदरसे का बच्चा है, जो मदरसे के साथ साथ उसको एक स्किल डेवलपमेंट का एडिशनल कोर्स भी मिले, जिस कोर्स का जो वैलिडिटी होती है, मैंने जिसकी मान्यता तमाम देश ही नहीं दुनिया में कई देशों में है, तो यहाँ से जो मदरसे का बच्चा उसको सर्टिफिकेट मदरसे में बैठे बैठे मिलेगा, निःशुल्क रूप से मिलेगा, और उस सर्टिफिकेट के जरिए जो रोजगार पाएगा तो हमारा अल्पसंख्यक समुदाय भी सबल बनेगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रेरणा से 10 अप्रैल को आयोजित होने वाला नववर्ष अभिनंदन मेला अमर शहीदों को समर्पित होगा। मेले में आए लोगों को महान क्रांतिकारियों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के पौत्र अमित आजाद ने प्रेरक विचार भी सुनने को मिलेंगे। दुबे पड़ाव स्थित एक होटल में मेला संयोजक मनोज शर्मा ने बताया कि मेला जीटी रोड स्थित श्री वार्ष्णेय डिग्री कॉलेज के खेल मैदान में दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होगा। स्वाधीनता से 75 वर्ष होने पर मेरा अमृत महोत्सव को समर्पित होगा। संवत्सर मेले का जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं पिछले 22 वर्ष से हो रहा है, इस बार इस कार्यक्रम को हम 10 तारीख को करने आने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि तमाम सनातन धर्मी हिंदू समाज ये नववर्ष को उत्सव को समझे और पूरे शहर में एक उत्साह का वातावरण हो और सभी लोग इसमें अधिक से अधिक भाग लें। इसके लिए हमने कोई शुल्क नहीं रखा है, साथ ही जो भी लोग चाहेंगे वो 10 रुपये का कूपन देकर के, जिसमें 125 लकी लोग की भी है, जिसमें कि फ्रिज से लेकर के सिलाई मशीन, कपड़े धोने की मशीन, सिलाई मशीन, ये सब हमारे पुरस्कार होंगे, बड़ा फ्रिज होगा। इस तरह से बच्चों के लिए झूला झूलने के लिए फ्री सुविधा होगी, खाने पीने का पूरे एक दिन का पूरा उत्सव में कार्यक्रम होगा और रात 12 बजे तक ये कवि सम्मेलन के रूप में अंतिम कार्यक्रम इसका समापन होगा। भाई सर, ये जो कार्यक्रम है विगत 22 वर्षों से हो रहा है, 2 वर्ष ये कोरोना के कारण से नहीं हुआ। हम भारतीय नववर्ष को जाने पहचाने और जैसा कि नवदुर्गे से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ये प्रारंभ होता है नववर्ष हमारा, प्रकृति भी इसको स्वीकार करती है, तो इस प्रकार से नववर्ष हम लोग जाने समझें, घर घर तक ये नववर्ष मनाया जाए, हम भारतीय संस्कृति को पहचाने, इसलिए ये नववर्ष का आयोजन हो रहा है। और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से विगत 22 वर्षों से होता रहा है। पिछले वर्ष 2019 में धर्म समाज महाविद्यालय में हुआ था, इस बार 10 अप्रैल को 2022 इस वर्ष रविवार के दिन श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय क्रीड़ा स्थल पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया के और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी। अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी, एमएक्स प्लेयर के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।